करांगा। सो वंस अगेन हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं हूँ मोइंग विलेज पे, मेरा जीजा का घर पे जीजा या गोया पे एंड ये मेरा जीजा का माँ आनंद भाई के भी तो एंड ये मेरे हैंडसम जीजा। तो कुछ अपडेट दीजिए आज के बारे में, आज क्या क्या करेंगे? आज हम तम्बू जाएगा। तम्बू और तम्बू करने के साथ साथ कुछ क्या क्या एक्टिविटीज करेगा? तम्बू में तो मछली पकड़ेगा, सब सारा मस्ती वाला और कम्युनिटी फिशिंग ना। कम्युनिटी फिशिंग ओके। तो अभी हम मोई बस्ती से गौसम बस्ती जाएगा ना। तो ओके दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा एंड वीडियो को एंड तक जोड़ देंगे। हाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों ये मेरा नानी और जीजा का घर एंड ये मेरा जीजा, अभी गौसम बस्ती की ओर जाएंगे कम्युनिटी फिशिंग करने ना। तम्बू हमारे लोकल डायरी में तम्बू। दोस्त आप सभी को तम्बू के बारे में थोड़ा सा अपडेट देंगे। एक्चुअली तम्बू जो हमारे आदि का ट्रेडिशनल फिशिंग टेक्निक है एंड इस ट्रेडिशनल फिशिंग टेक्निक पे जंगल से तम्बू नाम का वाइल्ड रॉप तोड़ के उसे पीस देते हैं दोस्तों। एंड पीसने के बाद जो जूसेस निकलते हैं वो वाइल्ड रॉप से उसे नदी में बहा देते हैं दोस्तों। एंड वो जूसेस जो पॉइजन का रूप में काम करके मछली को 10-15 मिनट के लिए अनकॉन्शियस करा देते हैं दोस्तों। तो जब मछली जो अनकॉन्शियस होते हैं तभी विलेजर्स लोग कलेक्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल फिशिंग टेक्निक है, आप सभी को प्रैक्टिकली अभी दिखा देंगे। हम लोग बोलिए तम्बू के लिए ना। तम्बू के लिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीरू नोबंग। आप कहाँ जा रहे हैं? हम क्या तम्बू करने जा रहे है। तमु रुका को अंदाक मोलो आदि तमु याई गाउ को दो हिलो मोलो अत तक कम याई गाउ को दो हिलो इदु तो ये ई मोलो दे अति दे मुंगा गदो इनम अन्यो को तमु लेट कै लेट उन को लेट मोलो इन द सेंस 15 16 17 आवर्स रुप लागि तुम है तो तमु इदो मो लेट कै सितंबर से लपु नाम दे इनम गो तमु दे मो अन गाय कुबा दे पो मै मेरा जीजा पापा तो ngo mak bolo abu am dan dan eh nyafe burang family kan kan lo porang dem esa esa dem kan kan deke mesti ya se pagarenge ahí hinarang ahí hinarang engolis ke ngai en local fishing trip ahí bora bora eh nyafe burang family ka jija ab kya bana rahe bata dijiye mere viewers ko porang porang tamu porang। ओके ये एकदम अभी ओडर में दबाई डालेगा तो यहाँ में मच्छी घुसेगा इधर इधर से यहाँ से लोकल फिशिंग ट्रिप है। बेम्बू फिशिंग ट्रिप हम लोग आदि में परांग बोलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया से बना रहे देख लीजिए, बाद में नशा होके इधर घुसेगा। एक बार सही से दिखा दीजिए। ये देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम लोग मोइंग बस्ती पे। सो अभी बस्ती का नाम क्या था? रुकिया मोइंग बस्ती तो है नहीं, इसका कहाँ जाना था हम लोग? गौसांग। गौसांग बस्ती की ओर जाएंगे। तम्बू को गौसांग बस्ती एक नदी है उधर करेंगे। हाँ एंड ये या फिर मेरा भाई मिस्टर के मेरा मैन या भाई एक बार हेलो बोलिए। हेलो यो। आप कितना क्लास में पढ़ते बता दीजिए मेरे भैया? क्लास 8। कौन से स्कूल में? तो आप एक्साइटेड हो तम्बू के लिए? तो चलिए चलो। गौसम बस्ती की ओर दोस्तों देखिए, बीओ विंग्योंग टाउन अपर सियांग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। दोस्तों हम लोग गौसंग निकल ही रहा था। देखिए यहाँ पे कुछ गेट बना है, ये शायद वाइल्ड हाँ बनाना ट्री। तो बता दीजिए इसको क्या के लिए ऐसे रखे? ये इसलिए ये बनाने से जितना ये उधर में हम लोग ये क्या बोलता है तमरुदुन कोटा है जी, इसलिए ये करने से जितना आने से आदमी मछली मिलेगा जो लेटरा पेटरा उसमें सफा हो जाता है, इसलिए हम लोग कर देते। तो दोस्तों पहले ना पहुँच गए गौसंग विलेज। देखो
काफी सुंदर बस्ती है। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए गोसन विलेज एंड यहाँ पे अभी तमू पिसने में भी है गोसन बस्ती के विलेजर्स लोग। बस्ती वापस आके काफी बिजी हो गया। एन ये इसका नाम है तमुहा दोस्तों, इसको पीस के पानी में बहा देंगे इसका जूस। बहुत बड़े से पीस दिया John Jelly, I don't know what's that all in long room. What took his cigar, Tamu, Festival, Anna Chim, Singo Luke, Silo, Mo, City Hong Kong Nankar, Wasang Dolum Lok Secretary, and a Mango Silo, Assam Community Pitching Festival, eh? The Amu Astamu Dalmeda, I know the name, Assam Costiola, the community pitcher. Yes, Tamu, Tamu, this Kamlu Jungle say. जोर जंगल का घास का जोर है, मट्टी के अंदर से निकलता है, उसके बाद हम लोग इसको पीस करता है, उसके बाद हम लोग नदी में डालेगा। नदी में डालने के बाद जो मच्छी है वो 10-20 मिनट के लिए मच्छी नशा हो जाते हैं, तो नशा समय में हम लोग सब मिलके उसको डायरेक्ट नहीं मरते ना। हाँ, उसके बाद लेकिन मच्छी नहीं मरते, वो 10-20 मिनट के बाद जिंदा हो जाते हैं और इसका नशा समय में हम लोग पकड़ते हैं। और ये जो तामू है ये लॉन्ग रेंज भी मेंटेन करते हैं, ये 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आधा से के बाद इसका नशा खत्म हो जाता है। वो इतना दूर तक नशा नहीं जाते, वो इतना रेंज फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर के अंदर में इसका नशा होगा, इसके बाद बाकी जगह में उसका इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए ये हम लोग का तामू है, ये हम लोग का ये दूसरा जैसा मच्छी को सबको नहीं मारते हैं, 20 मिनट नशा होते हैं, उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद वो जिंदा हो जाते हैं, वो गलत चूसते हैं, ये एक सब मच्छी को खत्म करते हैं, ये खत्म नहीं करते हैं। हम लोग हर साल डालते हैं, हर साल डाल के हम लोग मच्छी जिंदा ही रह जाते हैं, इसलिए हम लोग हर साल डालते हैं। एवरी ईयर हम लोग ये फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल का रूप में मनाते हैं हम लोग हर साल मनाते हैं। अभी इसको तमु फेस्टिवल का नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम तमु फेस्टिवल। जनरली हम लोग ये यागे फेस्टिवल में यूज़ करते हैं, उसका नाम यागे यागे है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये। थैंक यू दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन होने के कारण मैंने
इसे वायर रोप कह दिया था। हाँ ये वायर रोप नहीं है, ये जेर है, जेर मट्टी का अंदर से निकालते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, इसको पीस के पानी में डाल देगा हमारे लोकल दायरे में तम्बू। Pardon. Muy bien, ya. Más ngopi ngopi ya, ngopi ya. Y ankel ka dekhiye. Chocolate mein sir hai kai. Chocolate mein. Fiktar. Fiktar.
ये सिक्टर तो नीचे की ओर भाग रहा है अभी। हम ऊपर घूमते चिंता बा।